हे गाइस व्हाट्स अप, सो आई एम बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग। और आज छुट्टी का दिन है तो सोचा आज एक और व्लॉग बना लिया जाए। और ऐसा तो है नहीं कि हमारे साथ कोई इंसिडेंट ना हो, रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है बॉस। सो अभी हम जा रहे हैं, एक शॉप है जहाँ पे लॉन्ड्री के लिए हम अपने कपड़े वहाँ पे धुलवा सकते हैं। हमारी बिल्डिंग में जो मशीन्स हैं वो ख़राब हो रखी हैं, वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई आउट ऑफ सर्विस एंड ऑल। सो कुछ एक हफ्ता हो चुका है और हमारे कपड़े अभी तक धुले नहीं हैं, पूरा का पूरा एक बोरा बन चुका है। और अब वो लेके जाना है वहाँ पे, कुछ सेम प्राइस ही है, $5 के अंदर अंदर आप कपड़े धो लो, साथ में ड्राई भी कर लो। ठीक है, अभी वहाँ जाना है तो वहाँ पे आपको लेके चलते हैं अपने साथ। अब देखो यही होता है जब आपके पास कोई गाड़ी वाड़ी ना हो और आपको पैदल ही जाना हो। अब एक कॉइन मेट करके कुछ है कंपनी जहाँ पे हम जा रहे हैं। और वो देखो आगे के जो दो शख्स हैं ये बहुत ही मेहनत से लेके जा रहे हैं सामान अपना। ये है वैसे एक ही बंदे के कपड़े बट दो बंदों ने पकड़े हुए हैं और मैं थोड़ी दूरी पे हूँ अभी। हाँ, और ये रहा मेरा बैग। ओह फक, इट्स वेरी हैवी। चलो वहाँ पहुँच के बात करते हैं क्योंकि बहुत ही मेहनत हो रही है यहाँ पे, एक हाथ से ब्लॉगिंग, एक हाथ से ये बैग। और ये हैं चिंटू और मिंटू। हाँ भाई चिंटू, इतनी बड़ी बतख है ये। और ये है मिंटू। और ये है फ्रंट लोड मशीन, सामने सिक्के डालो, यहाँ पे डिटर्जेंट डालो और इसको ऑपरेट कर लो। और ये है ड्रायर, यहाँ पे कपड़े डालो, ऐसे रोल होते रहते हैं। नीचे वाला ऐसा दिखा देते हैं आपको, अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अभी ऊपर वाले में मैंने अपने कपड़े डाले हुए हैं तो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। तो ये है टिप टॉप लॉन्ड्री मेड जहाँ पे हम आए हैं। और अभी लेगा ये अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स, तो अभी 38 मिनट हो गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं होम डेकोर, वहाँ से कुछ काम है, एक चाबी बनवानी है और जो टॉयलेट सीट पे जेट नहीं लगाना होता वो लेना, क्योंकि यार टिश्यू पेपर से बहुत दिक्कत आ रही है। सो अभी वहाँ जा रहे होम डेकोर, 40 मिनट्स के अंदर वापस आके अपने कपड़ों को ड्रायर में डालना है। चलो ये बाथरूम कैबिन्स हैं, $800 से $900 तक के हैं। सही चीज़ है, ज़्यादा बाथरूम गंदा नहीं होता और पानी अंदर के अंदर रहता है। सो ये है वो आइटम जिसके लिए हम आए हैं। अब दो टाइप के जेट है जिसको हम बिडेट कहते हैं। अब एक है $62 का जो कि स्टैटिक है, एक ही जगह पे रहता है, बस आपको नॉब घुमाना है। और ये जिसके लिए हम आए वो है $54 का, सबसे सस्ता यही है। इसके अंदर आपके पास वही जेट होता है जिसको आपने आपको हाथ से ऑपरेट करना होता है। सो दोनों ऑप्शंस हैं। और ये बन रही है डोर कीज। अब यहाँ पे मशीन रखी हुई है जहाँ पे आप आके अपनी डोर कीज बनवा सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, $5 की शायद एक की पड़ती है। और अभी ये की बन के आती है तो आपको दिखाते हैं। सो दिस इज़ द की, और सिल्वर कलर की बनी है। अब हमने अपनी डोर की दी थी तो उन्होंने एग्जैक्टली पैसे बनाकर हमें दे दी। सो अभी हम बाहर आ गए हैं होम डिपो से। अभी जिस चीज़ को लेने गए थे, एक तो की बनवानी थी, की बनवा ली, ठीक है, और वो जेट लेना था। उसका प्रॉब्लम ये आया कि अभी हमें उसका फंक्शनिंग नहीं पता, उसको लगाना कैसे, डिप्लॉय कैसे करना है। ऐसा तो नहीं कि हमें प्लम्बर और हायर करना पड़ेगा, अगर प्लम्बर हायर करना पड़ गया तो फिर भाई साहब उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। अब ये बहुत बड़ा फाइट है यार कनाडा में, कि अगर आपके पास जॉब नहीं होती, अगर आपका पे अच्छा नहीं होता तो आपको हर चीज़ को ना सोच सोच के करना पड़ता है, हर पे को देखना पड़ता है। तो ये चीज़ को सोच के आना यार, नहीं तो फिर अच्छा यू नो पैसे वैसे लेके आना। एक आइडिया है, वैसे मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे आने से पहले, मुझे कुछ चीज़ें थी जो पहले कवर अप कर लेनी चाहिए थी ताकि मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती। उसके बारे में मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बात करूँगा।
ठीक है, वो टिक कर बैठेंगे और उसमें हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, जॉब्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, फैक्ट्री वर्क के बारे में बात करेंगे। अभी मुझे रिसेंटली जॉब मिला एक फैक्ट्री के अंदर, $15 पे था उसका, और वो कैसे मिला उसके बारे में भी बात करेंगे। सो अभी हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ पे, निशान भाई आई डोंट नो वेयर ही इज़ गोइंग राइट नाउ, बट हमने जेट लेना है इसको, आज परचेस करना, तो इसकी फंक्शनैलिटी पहले समझनी है, यूट्यूब पे देखेंगे, कहीं से रिसर्च करेंगे, जो मर्जी करेंगे, ये लेके जाएंगे आज, क्योंकि दिक्कत बहुत आ रही है। तो चलो कोई नहीं, अभी हमारी स्ट्रगल तो चल ही रही है। और ये जो एरिया है ये भी घर के पास का एरिया ही है, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, वहाँ पे है सोबेज और वहाँ पे है मिशेल्स, ठीक है, और ये था पीछे होम डिपो, और हम वहाँ से अब निकल के जा रहे हैं आगे की तरफ। सो अभी हमने डिस्कशन कर लिया सारा का सारा, और अब हम जा रहे हैं वापस होम डिपो लेने के लिए उस जेट को। देख लिया है यूट्यूब पे, कुछ वीडियोस देखी हैं और समझा है कि भाई प्लम्बर बुलाना पड़ेगा कि नहीं बुलाना पड़ेगा, और आई थिंक हमें प्लम्बर नहीं बुलाना पड़ेगा इसके लिए। सो अभी हम जाते हैं अब वापस होम डिपो और ख़रीद के लाते हैं, फिट करते हैं और आपको भी बताते हैं। और बाकी मैंने अभी स्नो जैकेट अपनी चेंज कर ली क्योंकि इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, विंडी हो रखा है सब कुछ, बाकी बारिश का मौसम चल रहा है। होंडा सिविक का लेटेस्ट मॉडल भी अच्छा ही है, बट यहाँ पे पिकअप ट्रक्स बहुत ज़्यादा चलते हैं मैंने देखा है। अगर आप यू नो प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो पिकअप ट्रक्स आपको ज़्यादा दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स। एनीवेज अभी स्नो का टाइम है, सो उसके बाद शायद अच्छा टाइम दिखेगा। और अभी गर्मियों का टाइम शुरू हो गया है तो लोग अपने गार्डन्स को संवारना शुरू कर देते हैं, इसलिए सारे के सारे स्टोर्स ने अपना बॉटनी का सामान सारा बाहर निकाल लिया है। और यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, कुछ सस्ते हैं कुछ महंगे हैं, जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये वाला देखते हैं, ये हमें $60 का है और छोटा सा पौधा, और ये आर्टिफिशियल ग्रास भी मिल जाती है यहाँ पे। साइज़ का मुझे और प्राइस का पता नहीं है इसका भी, क्योंकि कहीं पे प्राइस लिखा नहीं हुआ, बट अवेलेबल है। और ये स्टोर इतना बड़ा है कि यहाँ पे वुडन का भी सामान सारा मिल जाता है, घर बनाने का सारी सामग्री मिल जाएगी आपको यहाँ पे। और ये रेंटल डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको रेंट पे कोई भी सामान लेना हो तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सो एक इन्होंने पैसिव इनकम भी अपनी बना रखी है बढ़िया सी। और ये सारा का सारा पेंट का सामान है, लकड़ का, घर का, मतलब सब कुछ ही रखा हुआ है होम डिपो ने अपने पास। अगर आपको घर बनाना है तो यहाँ से पूरा का पूरा आपको सामान मिल जाएगा। और ये वो सेक्शन है जहाँ पे आपको वॉल्स के अंदर जैसे साउंड प्रूफ वॉल्स करते हैं, हीटिंग के लिए चाहिए होता है तो एक भूसा सा भरते हैं ये कुछ अंदर, तो ये वो मटेरियल है सारा का सारा। सो आई थिंक वही है हाँ शायद वही है। सो चलो फिर, अभी ज़्यादा हमें इस चीज़ की नॉलेज है नहीं तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि जिस चीज़ की नॉलेज है और जो लेने आए हैं वो लेते हैं पहले। और रास्ते में चलते चलते हमें ये भी दिख गए छोटे छोटे ट्रैक्टर से, ये जैसे आपका छोटा सा लॉन है तो उसको संवारने के लिए, उसकी घास काटने के लिए सारा मटेरियल रखा हुआ है। काफ़ी बड़े बड़े गैजेट्स हैं वैसे ये देखने में, $1,000 तक के अंदर है। ठीक है, स्नो रिमूवल्स भी हैं शायद इसमें, और ये घास काटने के लिए, और ये टूल्स हैं, काफ़ी फैंसी से टूल्स बनाए हुए हैं, बट एक्सपेंसिव, $1,000 कोई छोटी अमाउंट नहीं होती बॉस। तो हमने अब जेट ले लिया है और ये हमें पड़ा है $60 का विद टैक्सेस। अभी घर चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं कौन सा वाला लिया है, ये जो अपना नॉर्मल देसी इंडिया में नहीं चलता वही वाला है। ठीक है, $60 का पड़ा हमें, और इसकी एप्लीकेशन जो उनकी है वो काफ़ी इजी है, तो हमने पूछा कि हमें प्लम्बर की ज़रूरत पड़ेगी, बट दे सेड कि हमें प्लम्बर की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, सो विच इज़ फाइन। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आर होम एंड देन आफ्टर एप्लीकेशन वी विल लेट यू नो हाउ इट इज़। सो अभी भागते भागते हम बस स्टैंड तक आए और विंड इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि हाथ तक जमने शुरू हो गए। अभी हम अगले बस स्टैंड तक पैदल जा रहे हैं। सो ये पीछे दवेन भाई चल रहे हैं, दोनों पैक्ड हो रखे हैं अच्छे से, बट घर पहुंचना यार एज़ सून एज़ पॉसिबल। अचानक से वेदर ऐसा चेंज हुआ ना
बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है इस वक्त, फील्स लाइक -2 -3 हो रखा है, बट भाई साहब -10 की फीलिंग दे रहा पूरी पूरी। चलो अभी घर जाके बनाते हैं बाकी का व्लॉग। फाइनली अब घर आ गए हैं और बाहर इतनी ज़्यादा विंडी है कि पूछो मत। क्यों देवेंद्र भाई तो चलो अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या लेकर आए हैं, वो तो पता ही आपको यार। एंड हियर इज द स्टार ऑफ द डे, क्लीन स्पा का बजट, देसी भाषा में बोला तो जेट, और ये सारा का सारा सामान इन्होंने दिया है अंदर। तो अब इसको हम ज़रा खोलें बढ़िया से। ये है सारा सामान जिसमें पाइप है, जेट है, और ये जंक्शन सा है, और थोड़े बहुत नट्स हैं, एंड दैट्स इट। और फाइनली हमने इसको लगा दिया। देखो जो था ना जंक्शन सा था वो यहाँ पे ऐसे लग गया, नीचे से पानी आएगा और मतलब सारा काम हो गया बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और ये कुछ काम ऐसा करेगा कि अगर हम बटन को पुश करेंगे तो ये देखो प्रेशर अभी लो आ रहा है। अब हम नीचे से नॉब को थोड़ा सा और तेज़ कर देते हैं, ठीक है, और ये प्रेशर हो गया काफ़ी ज़्यादा तेज़, बहुत तेज़ है, तो ये तो भाई बर्दाश्त के बाहर है। सो इसको वापस उसी नॉर्मल में कर देते हैं, वरना अगर किसी ने इसको यूज़ किया तो चीखे मारेगा। तो चलिए फिर अपने इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरे सारे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखिए, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। और टिल देन टेक केयर, गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।